हाई एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो बेसिकली आज का जो रूटीन, आज का जो शेड्यूल है वो इस तरीके से है। विक्की की अभी 2-3 दिन की छुट्टियां चल रही है, बिकॉज ईयर एंड है तो काम थोड़ा कम भी रहता है, और जिस लेवल का उसने काम किया है तो थोड़ी छुट्टी तो बनती ही बनती है। छुट्टी क्या मतलब, वो अपना काम तो तब भी करता ही करता है, बट हाँ ऐसे कॉल्स वॉल्स में बहुत मेजर काम नहीं रहता है, अपना ही आपको टाइम दे सकता है इस तरीके से। तो आज सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए। तो जब मैं सिफोरा इवेंट गई थी ना, तब वहाँ पर मैं बहुत अच्छे 2-3 लोगों से मिली थी। सो उसमें से एक है इच्छा। ओके, तो मैं आज जा रही हूँ इच्छा से मिलने के लिए। जो बहुत अच्छी लगी थी वो, और शायद उसको भी मैं बहुत अच्छी लगी थी, तो तब से हम लोग काफ़ी कनेक्टेड हैं। मतलब नंबर हम लोगों ने शेयर किया है एंड हम बहुत टाइम से प्लान बना रहे हैं। उसने मुझे बोला था मुंबई जाने से पहले मुझसे 100% मिल के जाना, बट मैं काफ़ी लंबा भी रुक गई हूँ, तो कभी ऐसा होता था वो बिज़ी हो जाती थी, कभी मैं बिज़ी हो जाती थी। तो फाइनली आज कल ही हमने डिसाइड किया है और आज हम लोग मिल रहे हैं, बिकॉज बहुत टाइम से हमारा पेंडिंग हो रहा था तब मिलेंगे, क्योंकि शी इज़ वर्किंग पर्सन, शी इज़ इन टू गवर्नमेंट जॉब, और वो है मेरे एज की। हम लोग ऑलमोस्ट आई थिंक सेम आसपास एज के ही हैं, सो वहीं मिलने जा रही हूँ। तो अब मेरे को तो, क्योंकि मैं जैसे भोपाल में रह रही हूँ, बट अब इतना नहीं मुझे आइडिया है कि कौन सा नया कैफे खुला है, कौन सा ये है वो है ऐसे करके, और ना मैं इतना आइडिया अपडेट रखती हूँ। तो मैंने उसको पूछा यार कहाँ मिलना है, तो उसने मुझे बताया 2-3 लोकेशंस बताई है। तो अब 2 लोकेशंस हम लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, एक तो LPK करके और एक और कोई लैटिट्यूड करके, नया ही अभी नवंबर में ही ओपन हुआ है, तो वो बिल्कुल आजू बाजू हुई है। तो हम लोग एक जगह पे मिलेंगे जहां हमको बैठना मस्त लगने वाला है, हम लोग वहां पर स्वैप कर लेंगे, मतलब वहां हम चले जाएंगे, दोनों देखेंगे कौन सा बेस्ट है। तो आज मैं जा रही हूँ इच्छा से मिलने, अपनी इच्छा से। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं इच्छा से मिलूं, फाइनली आज मेरी इच्छा से मैं इच्छा से मिलने जा रही हूँ। ऑल्सो यहाँ पर भोपाल में ना अभी दिसंबर के टाइम पे काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, मतलब आई थिंक हर जगह ही हो रहे होते हैं। तो एक तो वन मेला लगा हुआ है, उसके बाद जो नॉर्मल मेला होता है ना वो लगा हुआ है, झूलों वाला जो होता है। पहले हम लोग हर बार जाते थे, मैं अपने ऑफिस की फ्रेंड्स के साथ जाती थी, फिर मैं अपने घर वालों के साथ जाती थी, ऐसे करके मैं जाती ही जाती थी 2-3 बार। देखते हैं जा पाते हैं तो जाएंगे ज़रूर। ऑल्सो आई गॉट अ न्यू बैग, मैं आपको दिखाती हूँ, ये आया है फ्रॉम अजियो। PR प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे इसको, PR तो नहीं बोलूँगी मैं, आया हालांकि ब्रांड के तरफ से ही है, मतलब ब्रांड ने मुझे वाउचर दे दिया था एंड देन आई सिलेक्टेड बाय माई सेल्फ अमाउंट का ये, तो मैंने ये बैग सिलेक्ट किया था और मुझे काफ़ी सही लग रहा था तो मैंने ये लिया है। तो मुझे इसका बेल्ट वगैरह सब कुछ अच्छा लग रहा है एंड इस पे भी काफ़ी, मतलब आई थिंक काफ़ी स्मार्ट लग रहा है, आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। मैं इसकी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर, एनी केस आपको लेना हो तो। और यहाँ पर नीचे ना इन्होंने ऐसे, आप कहीं पर भी ऐसे नीचे रख दो तो आपको एक है ना सपोर्ट अच्छा मिलता है। स्ट्रक्चर्ड एकदम बैग नहीं है बट फिर भी सेमी स्ट्रक्चर्ड आप बोल सकते हो, बट आई लाइक दिस बैग, मुझे अच्छा लगा ये। अभी तक मैंने इसके टैग्स वैग्स नहीं निकाले, तो आज प्रॉबेबली मैं इसको ले करके जाऊँगी। उसके बाद आई ऑल्सो गॉट दिस एलन ट्रूमैन का ये सिरेमिक वॉन्ड लार्ज हेयर कर्लर, मैं ये भी यूज़ करने वाली हूँ। एक और चीज़ और होने वाली, आज हमारे यहाँ पे फैन लगने वाला है, ऊपर वाला जो हमारा लिविंग रूम है मेरे इन-लॉज के घर वाला, वहाँ पर हम लोग फैन अपग्रेड कर रहे हैं। तो जो फैन मैंने मुंबई में लगाया था एटमबर्ग का, उसी का ही दूसरा वर्जन हम लोग आज यहाँ पे लगाने वाले हैं। लोग एटमबर्ग का एरिका सीलिंग फैन जो है वो ऊपर लगवा रहे हैं ना, शेड इन द शेड वाइट, सो एक्चुअली ऊपर की जो सीलिंग है ना दैट इज ऑरेंज, व्हाइट कलर का POP का डिजाइन बना हुआ है मतलब। तो अभी मैं वही फैन लगवाने वाली हूँ, तो चलिए चलते हैं ऊपर और आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है फैन। तो आई गॉट दिस एटमबर्ग एरिका सीलिंग फैन एंड विल शेयर हाउ इट लुक्स। तो एटमबर्ग एरिका है, इज अ 5-स्टार BLDC फैन है, सेव्स अप टू 65% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। दिस फैन कम्स विद 1 LED लाइट इंडिकेटर एंड एट नाइट टाइम इट लुक्स लाइक अ स्टार। रिमोट के साथ आता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मोड्स हैं, जैसे कि बूस्ट मोड हो गया, स्लीप मोड हो गया और टाइमर हो गया। इसकी जो मोटर है वो 100% प्योर कॉपर की है, मैट फिनिश में है ये, कंफर्ट एट योर फिंगर टिप्स आपको मिलता है। इट गिव्स यू अ सुपीरियर एयर डिलीवरी फॉर अनइंटरप्टेड नैप टाइम। इसके अंदर वारंटी आती है 2+1 ईयर, यानी कि 3 साल की वारंटी मिलती है। आप इस फैन को ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। वी आर डेफिनेटली लविंग दिस ब्यूटी एट अवर होम। एक्चुअली हमारी जो सीलिंग है उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और लग भी बहुत ज़्यादा सुंदर रहा है। सो आई एम श्योर हर तरह के घर में इस तरीके के फैन बहुत सुंदर लगने वाले हैं। हम लोगों के जो फोन है वो स्मार्ट हो चुके हैं, TV स्मार्ट हो चुके हैं, हमारा जो शैंडलर लगा है वो स्मार्ट है, तो क्यों ना हम फैन को भी स्मार्ट कर लें। तो बस हम लोगों ने हमारे जो फैन है वो भी स्मार्ट कर लिए हैं, स्मार्ट सीलिंग फैन में कन्वर्ट कर लिए हैं। सो अगर आपको पसंद आता है, मैं हाईली रेकमेंड करूंगी, हम लोगों को तो ब्यूटी बहुत पसंद आ रही है हमारे घर में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप चेक जरूर करिएगा। गैस तो फैन तो लग गया है, फादर इन लॉ कैन बी इजीली बेड पे बैठे बैठे वो आराम से रिमोट से अपना फैन ऑपरेट कर सकते हैं, उठ के जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं जाती हूँ शार लेने के लिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
ओके गाइस, सो आई जस्ट टुक शावर, बाल वाल वॉश कर लिए और काफ़ी ड्राई हो गए, नीचे नीचे हल्के से गीले हैं, तो मैं अभी भी ब्लो ड्राई, आई डोंट यूज़ ब्लो ड्राई अंटिल अनलेस बहुत ज़्यादा नीड नहीं हो, तो ये एयर ड्राई हो गए हैं मेरे बाल और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ जो ये मेरा वॉन्ड है वो, तो लेट्स होप कि ये अच्छे से हो जाए, मस्त तरीके से, लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज़ द रिजल्ट. बहुत अच्छी तरीके से नहीं हुआ है डेफिनेटली, बिकॉज आई हैव टू वर्क ऑन इट. अभी मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे वर्क करता है, तो बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी क्या करें, इच्छा को बोल दूंगी भाई देख ले मेरे बाल अगर मैसी लग रहे हो तो. मैं फर्स्ट टाइम ये एक टूल ट्राई करके आई हूँ, सो कोई बात नहीं, तो अब मैं फटाफट से चेंज करती हूँ. ठीक है, तो मुझे भी नहीं लग रहा है, मुझे लगता है इतने बाल शॉर्ट करा लेना चाहिए, मस्त लगेंगे. सो आई एम रेडी एंड दिस इज माई लुक. स्टॉप करंटली फुटवेयर में मैंने ये वाला न्यूड हील्स पहने हुए हैं एंड करेंटली गोइंग विथ दिस. इसको डाल करके जाऊंगी अभी फिलहाल के लिए. Hey guys, तो मैं यहाँ पर पहुंच गई हूँ और मैं मिली हूँ अभी वही जिससे मिलने की मेरी बड़ी इच्छा थी. ये है इच्छा हमारे साथ में. हेलो हेलो इच्छा, हाय, कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा. शी सच 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 अ स्वीटहार्ट. सबको पता ही है कि वो कितनी क्यूट है, बहुत बहुत प्रीटी है यार, रियल लाइफ में बहुत प्रीटी है. आई लव हर. थैंक यू सो मच, मजा आया मुझे भी मिल करके बहुत. फॉर्मेलिटी नहीं नहीं जैन, मैं मिलने ही नहीं आती नहीं तो. मैं मिलने ही नहीं जाती अगर मुझे ऐसा लगता तो. मतलब हम सेकंड टाइम मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम में मजा आया इसलिए सेकंड टाइम मिल रहा है. हम सेफोरा में मिले थे. हाँ, सेफोरा में मिले थे और सेकंड टाइम अभी हम लोग मिले हैं, तो क्योंकि मैं इनकी बड़ी वाली फैन हूँ. नहीं नहीं, ये शी इज ऑल्सो वेरी स्वीट. बढ़िया, अच्छा लगा मुझे इससे मिलके. अब मैं नेक्स्ट जिसके घर जाने का प्लान करने वाली हूँ. सो यस, शी ऑल्सो हैज अ वेरी ब्यूटीफुल होम, तो जब भी घर जाऊंगी इनसे काम अच्छा शूट करूंगी घर का. बिल्कुल. चलो अब निकलते हैं हम लोग. ये हमारी मन की इच्छा कुछ लेकर के आई है. रुचि के लिए, रुचि के पास में सब कुछ है, ठीक है, सारी चीजें है, वो सारी चीजें एफर्ट कर सकती है, पर मैं ऐसी चीज लाई हूँ जो या तो विकी नहीं दिया होगा, लड़कियां एक दूसरे को नहीं देती है. और इसको देख के मुझे लगा कि यार ये सेम रुचि टाइप है, बहुत क्यूट सी चीज है. सो ओह माय गुडनेस यार, आपको दिखाएगी क्या है, सीधे वीडियो में फ्लिप करने वाली हूँ. ये मुझे बहुत देख देख बहुत क्यूट लगा. थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम. ये मुंबई वाले घर के लिए ही है. ये मैंने सोच के लिया था, मैंने सोचा नया घर बना है, कुछ घर के लिए दूंगी चीजें, पर मैंने सोचा इसके पास सब कुछ है, कुछ अलग देती हूँ हटके. हाय एवरीवन, सो इच्छा से मिलके मैं आ गई हूँ और बड़ा ही अच्छा लगा मुझे उससे मिलने के बाद. शी हैज़ ऑल्सो, उसने मुझे एक बहुत ही क्यूट सा गिफ्ट दिया जो कि आई थिंक आपने वीडियो में देख लिया होगा. एडिट करते टाइम मुझे पता चलेगा कि अगर वो जो हमारी क्लिपिंग है ना, वहाँ पीछे बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा था, म्यूज़िक चल रहा था, तो वो म्यूज़िक में आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है. नहीं आ रही होगी तो फिर मैं वॉइस ओवर कर दूंगी उस पार्ट पे, एंड अदरवाइज देखूंगी. अभी मैंने एडिटिंग स्टार्ट नहीं करी है, सो वंस आई स्टार्ट एडिटिंग तब मुझे पता चलेगा. बहुत अच्छा लगा उससे मिल करके. सो एक्चुअली मैंने एक चीज़ नोटिस कर, एक पैटर्न नोटिस किया है, जितने भी लोगों से मैं मिलती हूँ ना, जैसे जिनको मैं बहुत पसंद आती हूँ या मुझे भी वो लोग पसंद आते हैं, सो व्हेन दे शेयर देयर स्टोरी ना, जब वो मुझे अपने बारे में बता रहे होते हैं या मैं जान रही होती हूँ उनके बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कोई मेरी परछाई बैठी हुई है. मतलब ऐसा लगता है कि दैट समवन इज टॉकिंग लिटरली अबाउट मी, तो मुझे समझ में आता है कि दैट्स वाई आप मेरे से कनेक्ट, क्योंकि आप मेरी तरह ही पर्सनैलिटी हो. मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जैसी मेरी लाइफ ही, वो अपनी चीज़ें बता रही थी सब, शादी से लेकर के जो भी सब, तो मुझे लग रहा था अरे ये तो बिल्कुल मेरे साथ ही हुआ है. तो हाँ, तो उसके और मेरे साथ, हम लोगों के साथ क्या हुआ, उसके जो हस्बैंड है ही इज़ ऑल्सो इन पुलिस, तो हमारे इतने सारे कनेक्शंस निकल गए. वो बोलती है जब फर्स्ट टाइम शी वाज वाचिंग माय वीडियो, तो कोइंसिडेंस इतने तगड़े थे, पता चला कि भोपाल की, तो वो ऑब्वियसली कनेक्ट हो गया. दूसरा, वो अपने टीवी पे लगा करके देख रही होगी, उसमें मेरे पापा दिख गए, तो उसके हस्बैंड बोलते हैं अरे ये तो मेरे सर है, करके निकल गया कि ऑफिस से कनेक्टेड. आज मैं जा रही हूँ भोपाल उत्सव मेला, मैं जा रही हूँ, जवस्वी और उसकी वाइफ आने वाली है. जवस्वी इज ऑल्सो माई वेरी ओल्ड फ्रेंड, आप बहुत बार नाम सुनते, मतलब हमारी फ्रेंडशिप को 16 साल हो चुके हैं. इमेजिन 16 साल से मैं उसको झेल रही हूँ और वो मुझे झेल रहा है. हम लोग जब मिलते हैं तो हम लड़ते भी बहुत है, बट टच वुड
वो काफी दूर से आ रहे हैं, तो विक्की और हम लोग यहाँ से निकलेंगे, हमारे घर के पास में लगा हुआ है। तो यस चलिए चलते हैं, आपको आज भोपाल मेला उत्सव दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छी वाइब आएगी। मैं सोच रही हूँ मैं कैमरा लेके जाऊंगी एंड प्रॉपर जब झूलों पर बैठूंगी ना तो व्लॉग करूंगी आप लोगों के साथ में। तो यस लेट्स गो। रेडी होने के लिए मैंने निकाल के रखा क्योंकि आज भोपाल में बहुत ठंड है, मतलब 12-10 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। आई नो पंजाब दिल्ली तरफ में तो और ज़्यादा होगी, 3-4 डिग्री पहुंच गया है वहाँ, मैं देख रही थी, बट यहाँ पे 10 डिग्री भी इज़ नॉट बैड यार, बहुत ठंडा होता है। तो मैं पहनने वाली हूँ अच्छी खासी लेयरिंग करूँगी, शूज़ वूज़ पहन के जाऊँगी, टोपा ओपा लेकर के जाने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पर जब हम बैठेंगे ना ऊपर झूले में तो कानों में बहुत तगड़ी हवा लगेगी। सो यार लेट्स गो, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। सो आई एम रेडी, मैंने अगेन यही वाला ओवरकोट पहना हुआ है और पैंट बताती हूँ मैंने कौन सी पहनी है। दिस पैंट, ये वाली पैंट पहनी है मैंने, ये वाली पैंट, This band. मेरे को इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट ईयर भी बहुत सारे आते थे कि लिंक दे दो, अभी भी जब भी मैं पहनती हूँ तो आते हैं लिंक दे दो। एक्चुअली मैंने ये लोकल स्टोर से परचेज किया था, फट से बाल बनाती हूँ एंड या लेट्स गो, आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके गाइस, तो हम लोग पहुँच गए हैं एंड झूला वूला सब कुछ स्टार्ट हो गया है, सो यस लेट्स गो। ओके गाइस, सो एक्चुअली हम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए, हम मतलब जल्दी इन द सेंस मीन्स कि अभी ये ढंग से लगा नहीं है, ये दिख रहे हैं आपको शॉप्स सब खाली है, तो उनने हमको बताया है 1 के बाद ये ज्यादा अच्छे से प्रोग्रेस होगा, सो अभी इज जस्ट दैट कि थोड़े बहुत वो लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं, झूले लगे हुए हैं। और ये है जवस्वी, हाय बॉस, और ये जवस्वी की धर्म पत्नी पर इससे ज्यादा अच्छी इसकी वाइफ है, ये ज्यादा अच्छी इससे मेरी ज्यादा पड़ती है। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। ओके, तो एक झूला हो गया है, अब हम बैठेंगे दूसरे झूले में। सो आई एम एट माई फेवरेट प्लेस जो कि है जैनुमा रिट्रीट। अगर आप भोपाल घूमने आते हैं या आप ऐसे ही मतलब भोपाल में रहते हैं, कैफ़े में ज़रूर आइएगा एक बार, एक तो खाना बहुत अच्छा है, उसके बाद बहुत पीसफुल एंड बहुत अच्छा, आपने देखा होगा मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ यूजुअली यहीं आती हूँ, बहुत सेफ भी है और अच्छा लगता है, द वाइब इज़ वेरी वेरी गुड। मतलब भोपाल में अगर कोई मुझसे पूछेगा कि कहाँ बैठना पसंद करोगी, मुझे डर लगा एकदम से, नीचे आवाज़ आई, थोड़ा डरावना भी है वैसे। आई वुड प्रीफर दिस प्लेस, इवन मुझे यहाँ पर गेट अवे करने का भी बहुत मन है, बट ये हमारे घर से बहुत पास है, तो विक्की बोलता है कि ये है ये, तो विक्की बोलता है कि इतना पास रहने का कोई मतलब नहीं है, ये इसको गेट अवे का लॉजिक समझ में आता नहीं है, तो दैट्स वाई ये हमारे दोस्त आ रहे हैं। जो मेरा फ्रेंड है जबसी, उसकी वाइफ लिटरली बिल्कुल झूलों में नहीं बैठती, और हमने एक नहीं हमने 2 झूलों में उसको बिठाया, वो भी खतरनाक वाले हैं, मुझे तो वो मन में इतनी गालियाँ दे रही होगी, के साथ कभी नहीं आऊँगी।
ओके तो यहाँ पर मैं और अश्विनी डिनर कर रहे थे बिकॉज हम लोगों को बहुत कम खाना था, तो हम लोग सिर्फ थोड़ा बहुत स्नैक्स ले रहे थे. विक्की एंड जवस्वी को कहीं और हैवी डिनर करने जाना था, तो इसके बाद हम लोग गए दूसरी लोकेशन पे. तो जो नेक्स्ट लोकेशन पे हम लोग गए वहाँ पर मैं लिटरली फर्स्ट टाइम गई थी, तो मैं रिव्यू दूंगी आपको डेफिनेटली लास्ट में कि मुझे कैसा लगा. थोड़ा सा दूर था भोपाल से, आइसोलेटेड प्लेस पे था डेफिनेटली, और क्योंकि हम वर्किंग डे में गए थे तो ऑब्वियसली क्राउड बिल्कुल ही कम था. ओके गाइस, तो हम लोग वापस निकल गए हैं. एक्चुअली मेरा जो रिव्यू है, मुझे तो विक्की बोलता है खाना बहुत उसको अच्छा लगा, मैंने खाया नहीं था क्योंकि मेरा पेट बहुत भर गया था. मैं एक्चुअली वो जो झूले पे झूली ना, तो मेरा क्या सिस्टम हो गया, मेरा पेट उल्टा हैवी हैवी हो गया. खाली होने की जगह मेरा पेट बहुत हैवी हैवी सा लग रहा था मुझे, तो मैंने अवॉइड किया ज़्यादा खाना. तो मैं यहाँ पर जहाँ आए थे वहाँ इन लोगों को डिनर करना था, जवस्वी और विक्की को. तो आज एक तो मंडे को भी यार ये बहुत कोपचे में जगह थी, जो यूजुअली मतलब मुझे भी ऐसी जगह बैठना पसंद है जहाँ थोड़ा क्राउड हो, एकदम आइसोलेटेड जगह ना हो और क्राउड भी हो तो छपरी क्राउड ना हो. रेडी थे, इनको एक्स्ट्रा मैरिटल वाले ज्यादा लग रहे थे. कोई ये विक्की मानता नहीं है बट मेरे को तो फुल ऑन उसमें दो से तीन कपल्स ऐसे थे, कपल्स नहीं बोलूंगी मैं उनको, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला ही था. से लोगों में मुझे बैठना पसंद नहीं आता है. फिर अभी हम निकल गए हैं और वो लोग अपने घर निकल गए, हम लोग अपने घर निकल गए. बस घर पहुंचने वाले हैं, तो घर वर पहुंचने के बाद फिर कल मैं आप लोगों से. हाई एवरी वन, सो आज है क्रिसमस, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू. 25th December, आई डोंट नो कब ये व्लॉग मैं अपलोड करने वाली हूँ. सो आज मैं और विक्की जा रहे हैं बिकॉज मॉल में कुछ सेल वे लगी है एंड विक्की को कुछ चीज़ खरीदनी है, तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं. एंड आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल ड्रेस, मैं आपको देख, और इसके ऊपर पहनने वाली हूँ मैं ये अपना दिस ओवरकोट. तो हम लोग क्रिसमस वाले दिन मॉल चले गए थे बिकॉज सेल था, और बाप रे मुझे नहीं पता था कि इतना भयंकर क्राउड आएगा. इतना क्राउड था कि थोड़े टाइम बाद शायद एंट्री बंद कर दी गई थी. तो हम लोगों को शूज़ लेना था, हम लोग बस फटाफट शूज़ लेकर के निकल गए क्योंकि थोड़ा कोविड का भी डर लग रहा था और मास्क हम लोगों ने कैरी नहीं किया था. तो बस हम लोग विक्की को शूज़ वगैरह देखना था, हालांकि उसने लिया नहीं. वो ही इज़ वेरी पर्टिकुलर, मतलब जब वो शूज़ के ऊपर आता है तो बहुत चूज़ी है, और वो कम से कम 37 बार मुझे परेशान करने के बाद ही शूज़ लेता है. सो अभी तक हम लोगों ने शूज़ लिया नहीं है, एंड बस ऐसे ही फिर हम लोग फटाफट से घर निकल गए थे. फिर मैंने अपने लिए भी कुछ कुछ सामान देखा, हालांकि मैंने कुछ भी लिया नहीं. मैं मैंगो गई थी वहाँ पर जाकर के, मेरे को एक ड्रेस बहुत पसंद आया था पर्पल कलर का, बट अनफॉर्चुनेटली वो साइज़ अवेलेबल नहीं था, अदरवाइज मैं ये ज़रूर लेती. बहुत प्यारा जंप सूट था ये, और सेल में भी काफ़ी अच्छे प्राइस में था, बट मिला नहीं मुझे. Guys, so finishing this vlog here. और finish करने से पहले, since I am getting few questions regarding actually अभी क्या हुआ है, Astrology Exposed के नाम से एक video बनाया गया है YouTube पे from a very famous YouTuber. Even I follow him as well. And the moment that video came ना, मैंने भी उसको देखा था obviously out of curiosity. तो मेरे को कुछ लोगों ने messages में Instagram पे भेजा है कि what's your take on this, because बोला गया है कि astrology लूटने का काम है, number से किसी की life नहीं change हो सकती, ये वो फलान ढिमकाना. See, मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो वो भी एक पत्थर ही है, right? So it's all about belief. इसके ऊपर मैं एक और reason ये देना चाहूँगी, जैसे अकल साइंस हो गया, अकल साइंस इज ऑल्सो अ स्टडी जो कि 80-90% लोगों के ऊपर बिल्कुल उनको बेनिफिशियल हुई है, तभी इस स्टडी को माना गया है, राइट? जैसे मेडिकल साइंस है, मैं इसको मेडिकल साइंस से कंपेयर करूँगी, जैसे मेडिकल साइंस एक स्टडी है एंड मेडिकल साइंस में भी ऐसे कितने केसेस, इतना मेडिकल साइंस ग्रुप हो गया है, आगे बढ़ गया है, स्टिल देर आर सो मेनी केसेस जहाँ पर मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर देता है, उनके भी केसेस फेल होते हैं, ऑपरेशंस फेल हो जाते हैं, समटाइम्स कोई ट्रीटमेंट वर्क नहीं करता है, राइट? तो जिस तरह से वो एक स्टडी है, उसी तरीके से ये भी एक स्टडी है. तो डेफिनेटली मैं ये बोलूँगी कि आप बिल्कुल 100% इसी पे डिपेंडेंट रहो, ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं है. बहुत सारे लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं और पैसे भी लूटते हैं, वो चीज़ डेफिनेटली गलत है, वो पॉइंट पे मैं अग्री करती हूँ. लेकिन बाकी ये बोलना कि पूरी पूरी स्टडी ही गलत है, आई डोंट अग्री ऑन दिस. और क्योंकि अब मैं खुद भी पढ़ रही हूँ तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ अपने खुद के लाइफ में कि प्रिडिक्शन, मतलब मैं इस पे ज़्यादा वो नहीं करना चाहती क्योंकि जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा, और वो नहीं माने वो ज़्यादा बेहतर है, और जिसको मानना है आप उसको कितना भी कुछ बोलो वो मानेगा. जैसे मेरे को अब
कितने भी आप स्ट्रॉन्ग स्टडीज़ ला के खड़ा कर दो कि ये सब बकवास है, मैं नहीं मानने वाली हूँ, बिकॉज मैंने इसकी स्टडी करी है, और ऐसी स्टडी नहीं करी है लाइक कि बस हवा में बातें करके कर दी हो, बहुत डीप एनालिसिस, खुद से भी डीप एनालिसिस करे हैं एंड ऑल दैट. तो आई बिलीव इन दिस. तो बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी. एंड येस, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय.